न्यूज सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। किशोर न्याय बोर्ड ने गुरुवार को जुबली हिल्स सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 नाबालिगों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस शुक्रवार को किशोर गृह में आरोपियों से पूछताछ करेगी। पूछताछ उनके वकीलों की मौजूदगी में होगी। जुबली हिल्स थाने के जांच अधिकारी नाबालिगों को बयान आरोप दर्ज करेंगे। किशोर बोर्ड ने पुलिस अधिकारियों से सादे कपड़ों में किशोरों से पूछताछ करने को कहा है। बोर्ड ने पुलिस की यह याचिका पर हिरासत की अनुमति दी, जो 28 मई की घटना के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाह रही है। किशोर बोर्ड यह आदेश देने से आया है, जब पुलिस ने मामले में एकत्र मुख्य आरोपी से पूछताछ शुरू की थी। शहर की एक अदालत द्वारा सादुद्दीन मलिक को पुलिस हिरासत में दे जाने के एक दिन बाद जुबली हिल्स पुलिस ने उसे चंचलगुड़ा केंद्रीय कारागार से अपनी हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी की 7 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने बुधवार को 4 दिन की हिरासत मंजूर कर ली। एक अज्ञात स्थान पर 18 वर्षीय को ग्रिल किया जा रहा था। जांचकर्ता सनसनीखेज मामले और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया है। पुलिस मामले में शेष 2 किशोरों की हिरासत के लिए किशोर बोर्ड से भी संपर्क कर सकती है। बुधवार को दोनों आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस मामले में सभी किशोरों के मुकदमे की अनुमति देने के लिए किशोर बोर्ड से अपील करने की भी योजना बना रही है। पुलिस आरोपी के नाबालिग होने के कारण कड़ी सजा से बचने की संभावना से इनकार कर रही है। लड़की का यौन शोषण करने वाले जांच आरोपियों में से 4 की उम्र 16 से 17 साल है। 6 आरोपी जिस पर केवल छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, वह 18 साल का होने में 1 महीने का समय कम है। वह मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक विधायक का बेटा है। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित 4 नाबालिगों में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक नेता का बेटा शामिल है। नेता सरकार द्वारा संचालित निकाय का अध्यक्ष भी है। दो अन्य को ग्रेटर हैदराबाद और संगारेड्डी में TRS पार्षदों के बेटे बताए जाते हैं। अन्य आरोपी भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों से हैं। इस बीच TRAS के कार्यकारी अध्यक्ष TS रामा राव ने पुलिस के रुख का स्वागत और समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट किया, अगर आप दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को करने के लिए पर्याप्त व्यस्क है तो आपके व्यस्क के तौर पर ही दंडित किया जाना चाहिए, न कि किशोर के तौर पर। 5 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376D, 323 धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई है और अपहरण करने वाले एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त CV आनंद ने कहा कि आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा तो होगी ही और उसे मृत होने तक और जीवन कारावास या यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है। छठा चालीन कॉम्प्लिक्ट विद लॉ दुष्कर्म में शामिल नहीं था, लेकिन उसने कार में पीड़िता को चूमा था, इसलिए उस पर IPC की धारा 354 महिला का शीर भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल, 323 और पॉक्सो नियम के धारा 9G के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस अपराध के लिए उसे 5 से 7 साल की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव पर भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। दर्शकों ब्रेक के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।